भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। ख्याति तुम बताओ? बस सब ठीक चल रहा है। कल मैंने देखी नई, हमारी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ था, तो ये कल देखा। बिल्कुल, ये तो आजकल हॉट टॉपिक है, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, नई पार्लियामेंट बन रही है वगैरह। तो आई थिंक प्रतीकों की अपनी अहमियत है, तो उसको डाउनप्ले मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो वो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्थान है पार्लियामेंट का। तो मुझे लगता है कि हमें उस पर डिस्कस करना चाहिए, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्डिंगें तो आज आई हैं, कल और आएंगी, कल और भी आएंगी, और वो तो बदलते रहने चाहिए। जिसको कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो मानते ही है ना कि ऊपरी जामा चेंज होता रहता है, अंदर की रूह पे डिपेंड करता है ना कि क्या चल रही है असली बात। तो सही बात। उस रूह के बारे में डिस्कस की जाए। बिल्कुल, वाह। तो इस रूह के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे पास परफेक्ट गेस्ट है। तो मैं सोच रहा था माधवन को कैसे इंट्रोड्यूस करूं, फिर मैंने सोचा कि आज हम लोग उनसे बात करेंगे जो जनता की आवाज को आवाज देने वाली संस्थान के संस्थापक, मतलब PRS, जिसके बारे में हम लोगों ने कई बार बात की है इस पॉडकास्ट पे भी। और जैसा हम कहते हैं कि लेजिस्लेटर हमारी विधायिका जनता की आवाज को रिप्रेजेंट करती है, तो लेजिस्लेटिव और विधायिका के ऊपर और उनकी आवाज और पहुंचाने के लिए, उन्हें कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए PRS जो एक काफी जानी पहचानी संस्था है, उसके सह संस्थापक है माधवन, और उनके सहकर्मी चक्षु के साथ हमने एपिसोड किया था बहुत समय पहले, शायद 18वां एपिसोड था। तो अभी अपडेट करना चाहिए पार्लियामेंट के बारे में, पिछले कई सालों में क्या हुआ है वगैरह। तो इसी के लिए माधवन, स्वागत है आपका पुलियाबाजी। थैंक यू, धन्यवाद। तो माधवन, शुरुआत से शुरू करते हैं हम हमेशा पुलियाबाजी में। तो अभी ये बिल्डिंग की कॉन्ट्रोवर्सी तो चल रही है, लेकिन जैसे सौरभ ने कहा, हम लोग जो संस्था है पार्लियामेंट उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो हम फंडामेंटल से शुरू करते हैं, लोकतंत्र में संसद का रोल क्या होता है ये बताइए हमें सबसे पहले। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारी जो है, या जो होनी चाहिए, उसमें हमारी डेमोक्रेसी में सेंट्रल रोल है पार्लियामेंट का। और इसके ये पार्लियामेंट करता क्या है, कई चीजें करता है, मेनली तीन चीजें करता है। एक तो हम अपने हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टली वोट नहीं करते, जैसे आप दूसरा फॉर्म डेमोक्रेसी का देखिए, प्रेसिडेंटशिप, जैसे US में है, उसमें लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं करते, हम अपने MP को इलेक्ट। और जब मैं MP बोल रहा हूँ, आप वो स्टेट में MLA समझ लीजिए, मतलब प्राइम मिनिस्टर बोलता हूँ तो चीफ मिनिस्टर के लिए भी चलेगा, पार्लियामेंट बोलते हैं तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी चलेगा, सब पैरेलल। तो हम हमारे MP को वोट करते हैं, और MPs मिलके डिसाइड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, और प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कौन उनके कैबिनेट में होंगे। और प्रेसिडेंट तो सिर्फ जो भी कैबिनेट डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट हैज टू एक्सेप्ट दैट, एक बारी रिकंसिडरेशन के लिए पूछ सकते हैं, उनका रोल काफ़ी कम है उसमें। पर सो मेन रोल है कि हम उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो करते क्या, उनका काम है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि सरकार ठीक तरह काम कर रही है नहीं, उस पर पूरा अकाउंटेबिलिटी रखना ऑन ए डेली बेसिस। एक्चुअली अगर आप द बेस्ट लेसन इस पे अगर आप पढ़ना चाहें, तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था नवंबर 1948, इंट्रोडक्शन के साथ डॉक्टर BR अंबेडकर का एक स्पीच था, उसमें उन्होंने डिस्कस किया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म क्या होता है और प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म या पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होता है। और हम के मतलब से वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म क्यों प्रपोज किया, और उनका ये था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि किसी भी दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन से आप निकाल सकते हैं, पर उसके साथ ही अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप सवाल पूछते हैं, आप निकाल सकते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी रहती है। प्रेजिडेंशियल फॉर्म में फिक्स टर्म होता है चार साल, प्रेसिडेंट को आप कुछ नहीं कर सकते, अनलेस फाउंड ऑफ हाई क्राइम्स और सम इनकॉम्पिटेंस के लिए आप प्रेसिडेंट को नहीं निकाल सकते, तो स्टेबिलिटी मिलती है, पर उसके साथ इनकॉम्पिटेंस की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। प्रेसिडेंट इनकॉम्पिटेंट है चार साल, जब तक वो चोरी नहीं करते हैं चार साल आराम से बैठ सकते, ठीक है, यहाँ पे निकाले जा सकते।
सो सबसे सेंट्रल रोल है अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू पार्लियामेंट, एंड उसका सेकेंड लिंक है, इसके बारे में हम बाद में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, अकाउंटेबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट टू पीपल. तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू पीपल टू स्टेप प्रोसेस है, गवर्नमेंट टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट टू पीपल. पार्लियामेंट टू पीपल कैसे होता है, हर पांच साल उनको इलेक्शन के लिए आना पड़ता है, हमारे पास काम नहीं किया तो निकाल दो, किसी और को इलेक्ट कर दो, तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी आता है. सो ये एक अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर है, पहला एक. दूसरा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल, जितने भी लॉस हैं जो हमें, जितने भी कानून है जो हमें, जिनके हमें, हमने उसका पालन नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगा, वो कानून बनाने का काम पार्लियामेंट करता है और स्टेट्स में स्टेट असेंबली करता है. तो इससे, क्योंकि इन कानूनों को हमें पालन करना है, हमें भी देखना होगा कि इनके पास ये कानून कैसे बनाते हैं, और कानून बनाने का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है उनका, जिस हम सबके लिए कानून बनाते हैं. और तीसरा रोल है फाइनेंशियल पावर ऑफ द पर्स बोलते हैं उसको, द फाइनेंशियल. इसमें दोनों साइड से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, और ये यहां से नहीं है, ये ब्रिटिश सिस्टम में 14th सेंचुरी से चला आ रहा है, कि वहां पे ये था कि किंग तब तक टैक्स नहीं लगा सकता जब तक पार्लियामेंट अप्रूव करे, और किंग तब तक खर्चा नहीं कर सकता जब तक पार्लियामेंट खर्चे को अप्रूव करे. तो आजकल हर डेमोक्रेसी में होता है कि लेजिस्लेचर हैज टू अप्रूव टैक्सेस और लेजिस्लेचर हैज टू अप्रूव एक्सपेंडिचर. अभी आप जैसे यूएस में वो डेट कैप का जो अभी नाटक चल रहा है, इसलिए चल रहा है क्योंकि उन्होंने लेजिस्लेचर ने बोला है कि इतने से ज्यादा आपका पब्लिक डेट नहीं हो सकता, और अगर गवर्नमेंट का भी खर्चा करना है, उनके पास पैसे नहीं है, उनको बोरो करना पड़ेगा, और बोरो करने के लिए उनको लेजिस्लेचर से परमिशन चाहिए. सो लेजिस्लेचर पर्स स्ट्रिंग्स को कंट्रोल करता है, तो हमारे इसमें पार्लियामेंट वो करता है. तो तीन मेन रोल है, अकाउंटेबिलिटी, लॉ मेकिंग, पावर ऑफ द पर्स. और ये सब करते वक्त एक चौथा रोल जो इन सब में आता है, और भी आता है उसमें, कि एमपीस हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे एस्पिरेशंस, हमारे होप्स, हमारे इंटरेस्ट, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, और उसको आगे बढ़ाने और प्रोग्रेस, वेलफेयर वगैरह के लिए वो काम करते हैं, और देखते हैं कि गवर्नमेंट. सो दैट इज द फोर्थ. इन द इंडियन सिस्टम एंड मेनी अदर डेमोक्रेसीज, पार्लियामेंट हैज वन मोर रोल जो स्टेट के पास नहीं है, वो है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करना है, वो वाला पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, तो पार्लियामेंट को करना पड़ेगा. तो ये मेजर रोल है, ये एब्सोल्यूट सेंटर ऑफ डेमोक्रेसी है, क्योंकि पार्लियामेंट ही हम इलेक्ट करते हैं कि हमारे लिए ये काम करे. बिल्कुल. तो आपने ये तो बहुत अच्छे से समझाया कि पार्लियामेंट का रोल क्या है. तो अभी हमारी संसद की कार्यवाही जिस तरह से चल रही है, उसके बारे में थोड़ा और बताएं कि क्या है हमारी संसद की चलने की तरीके की स्थिति अभी, क्या वो एक सेटिस्फैक्ट्री तरीके से हमारी संसद काम करती है, या इसमें कुछ कमियां हैं, इसके बारे में कुछ और बताएं, क्योंकि आपने इस विषय पे काफ़ी लिखा भी है. आपको पूछना चाहिए था कि संसद काम कैसे नहीं करती है, कैसे करती है, क्योंकि अभी थोड़ा सा कुछ सालों से ये प्रॉब्लम चल रहा है. नहीं तो कुछ कई काफ़ी अच्छी चीज़ें भी की है संसद ने. तो जैसे अगर आप पिछले कुछ साल देखिए, मेजर रिफॉर्म्स किए हैं संसद के सिस्टम से, डिस्कशन से, जैसे डिफिकल्ट थिंग्स लाइक GST, डिफिकल्ट रिफॉर्म्स लाइक इंसॉल्वेंसी कोड, इकोनॉमिक रिफॉर्म संसद ने किए हैं कई चीजें, तो ये नहीं कि नहीं किया. मगर अगर देखें कि कैसे चल रहा है संसद के अंदर काम, और मैं इसको दो भाग में बांटना चाहता हूँ. एक जो आप देखते हैं टीवी पे, जो होता है लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही, और जो आपको दिखाई नहीं देता, जो ज्यादातर संसद की समितियों में होता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज. तो ये दोनों अलग से देखते हैं. जो पहली बात है जो कि टीवी पे दिखता है, उसमें हम देखते हैं 11 बजे संसद स्टार्ट होता है, डिस्ट्रप्शन होता है, 11:02 को एडजर्न होता है, 12 बजे आते हैं, 3 मिनट बैठते हैं, फिर 2 बजे आते हैं, 5 मिनट एडजर्न टिल नेक्स्ट डे, और इससे काम का काफी वेस्ट होता है. इसका कॉस्ट क्या, इसका कई लोगों ने लिखा हुआ है, कैलकुलेट किया है, एंड आई थिंक दैट इज स्टुपिडिटी, कि टोटल पार्लियामेंट का एनुअल बजट ये है, तो एक दिन का इतना है, तो एक घंटे का इतना है, टाइम लॉस का इतना है. तो मेरा काउंटर है कि ऐसे ही है तो संसद ही बंद कर दो ना, तो घाटा ही नहीं होगा, कैंसिल कर दो. तो इसका वेस्ट ये है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इस साल पूरी बजट विच इज सम 45 लाख और 42 लाख करोड़ ऐसी कुछ है, दैट्स नॉट ए स्मॉल नंबर, मोर देन 40 लाख करोड़, ये पूरा बजट विदाउट डिस्कशन पास हुआ. इसका मतलब जो हमसे टैक्स के पैसे आते हैं आज के और कल के, और गवर्नमेंट का जितना भी रेवेन्यू है,
और उसका जितना भी खर्चा है वो किस में जाना चाहिए, कितना एजुकेशन पे जाना चाहिए, कितना डिफेंस पे जाना चाहिए, कितना हेल्थ केयर पे जाना चाहिए, आपको मनरेगा का इतना रखना है, बढ़ाना है कि नहीं, क्या करना है, वो सब चर्चा जो होनी चाहिए संसद में वो नहीं हुई। और इसका कॉस्ट क्या है? इसका कॉस्ट बहुत कुछ हो सकता है। जैसे अगर कोई एजुकेशन, हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात हुई थी, बिल पास नहीं हुई, इससे एक दो साल के जितने भी बच्चे उनको रिफॉर्म नहीं मिला, उसका कॉस्ट आप कैसे देखें? हेल्थ केयर में अगर काम नहीं किया तो इसका कॉस्ट, इस उसका मॉनिटरी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? आसान नहीं है। तो पर कॉस्ट तो काफी है। तो संसद नहीं कर, काम नहीं करने से काफी आई वुड से लॉस टू द नेशन होता है। और ये बिल्कुल ऐसे हो गया ना कि अगर कोई कहे कि भाई अगर प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट ने काम नहीं किया तो उनकी सैलरी निकाल के बोला हाँ दो दिन का काम वेस्ट हो गया, ऐसा थोड़ी है। आई मीन उनका एक या दो दिन का वैल्यू जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से हमको देखना चाहिए ना, कि अवसर लागत क्या है भाई। उस टाइम पे वो जो कर सकते थे अचीव उन्होंने नहीं किया, तो उसी तरह से पूरी संसद तो कितना ही कुछ कर सकती है अगर चाहे तो। बिल्कुल, अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, अगर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं किया होता तो क्या कॉस्ट? अगर इंदिरा गांधी ने नहीं किया तो ठीक है, दो साल इंदिरा गांधी की सैलरी मत दो जैसे आप बोल रहे हो, उससे थोड़ी हो जाएगा ठीक। बिल्कुल, उसका जो बेनिफिट है वो लूज हो गया। और या 91 रिफॉर्म्स अगर तब नरसिम्हा राव ने काम नहीं किया होता है, मनमोहन सिंह ने काम नहीं किया होता, कितना होता? और अभी भी जो रिफॉर्म्स हो, सो संसद का सो बहुत सेंट्रल रोल है। तो वो है, अभी हम देख रहे हैं ज्यादा कि डिसरप्शन से और डिस्कशन जो इफेक्ट होता है, बहुत बिल पास हो जाते हैं शोर में विदाउट डिस्कशन। और हमने ये भी देखा है कि जो बिल डिस्कशन के बिना होते हैं उसमें बाद में उसको ठीक करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। तो अगर मैं थोड़ा सा डाइवर्शन लूं कि समिति में क्या होता है, और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तो जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये मोटर व्हीकल्स एक्ट है जिससे अब पूरा गाड़ी जो चलती है रोड पे उसका सब रेगुलेशन है। तो उसमें एक अमेंडमेंट बिल आया था कई साल पहले, 2016 में शायद, मेरे याद में 15 या 16 के आसपास आया था मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट। उस बिल में एक क्लॉज था कि आप जो भी गाड़ी चलाते हैं आपको एक मैंडेटरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना होता है। और ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का ये है कि अगर एक्सीडेंट में किसी और को डेथ या चोट लग गए तो उसका कॉम्पेंसेशन जो भी अवार्ड होता है वो इंश्योरेंस देगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो वो देने। और ये क्योंकि ये मैंडेटरी होता है, इसका जो पॉलिसी का रेट होता है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है और हर इंश्योरेंस कंपनी को वो देना ही पड़ता है, मना नहीं कर सकते। हाँ, नहीं तो मोनोपोली हो गया ना, प्राइसिंग कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो इसमें तो फ्री मार्केट चलेगा नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने, मेरे ख्याल से उन्होंने ही लॉबी किया होगा, पता नहीं किसने लॉबी किया, ये अमेंडमेंट में ये था कि जो पॉलिसी का जो पे आउट होगा अगर एक्सीडेंट होगा तो जो इंश्योरेंस कंपनी देगी वो 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं देगी, मैक्सिमम 10 लाख वो डाल दिया था। पर उसमें ये नहीं डाला था कि कॉम्पनसेशन पे मैक्सिमम। तो अगर एक ट्रक ड्राइवर ने अमीर आदमी को मार दिया और कोर्ट ने 2 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया, क्योंकि कोर्ट तो देखता है कि इसका इनकम कितना आने वाला है, तो इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख देगी, बाकी कहां से आए? तो ये डिस्कस हुई, हमने भी पॉइंट आउट किया था, डिस्कस भी हुई थी ये कमिटी में जब ये बिल गया था। और जब बिल कमिटी से वापस आया पार्लियामेंट में, उन्होंने सजेस्ट किया और जब बिल पास हुआ ये वाला क्लॉज डिलीट कर दिया ताकि पुराने टाइप पे रहे। तो जब संसद काम करती है और कमिटी काम करती है वो काफी उसे इम्पैक्ट आता है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया, क्योंकि काफी बार ना लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छा सरकार तो सोच कुछ सरकार अपना काम कर रही है, वो सोच समझ के कुछ बिल लेकर आ रही है, फिर ये संसद में तो बस हल्ला ही होता है, क्यों ये सब करने की जरूरत है, ये तो थोड़ा इनएफिशिएंट हो गया है, ऐसा मतलब कुछ लोग ऐसे कहते हैं। तो जैसे आपने एक उदाहरण दिया इससे कि ये डेलिब्रेशन की भी एक इम्पॉर्टेंस है और वो रिव्यू करना कितना जरूरी है, नहीं तो वो चीजें ठीक से नहीं हो पाती है। इसका एक और अच्छा उदाहरण है ना माधवन, जैसे आपने ही लिखा था वो फार्म लॉस के बारे में, और किस तरीके से पार्लियामेंट को पूरा बाईपास कर दिया था और उस वजह से हमें कितना नुकसान हुआ। शायद वो पॉलिसी ठीक ठाक थी और शायद वो अगर पार्लियामेंट में डिस्कशन होता तो उसके और फायदे हो सकते हैं। तो उसका कुछ उदाहरण बताइए ना, वो किस तरीके से पार्लियामेंट के थ्रू बेहतर हो सकता था। पार्लियामेंट का एक और काम होता है ये कि जैसे पॉलिटिक्स में, जैसे पॉलिटिक्स तो कंट्री को रिफ्लेक्ट करता है, डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं बहुत लोगों के, और पॉलिटिशियन का काम है कि ऐसे लॉ बनाए जो इन सब डिफरेंट इंटरेस्ट को मीडिएट करके कुछ बीच का रास्ता निकाले।
पॉलिटिशियन का मेन काम यही होता है कि क्योंकि सब ऑपोजिट इंटरेस्ट होते हैं तो कैसे निकाल। और ये पार्लियामेंट बेस्ट बॉडी है, पार्लियामेंट और उसकी कमेटी, जिसमें नेगोशिएट करके बीच वाले निकाले। और उस निकालने से एक फायदा होता है, जैसे अगर कोई बिल कमिटी गई और कमिटी तो ऑल पार्टी कमिटी होती है, और कमिटी ने अगर रिपोर्ट दे दिया और सब पार्टी के लोगों ने उस पर साइन कर दिया, और करते वक्त आपने नेगोशिएट किया, आपने आगे लाए जो भी, जैसे आप काफी बिल देख सकते हैं, जैसे जीएसटी काफी कॉम्प्लेक्स इश्यू है, उसमें स्टेट्स, कुछ स्टेट्स को लॉस हो रहा था, कुछ को फायदा हो रहा था, उसके लिए कुछ कॉम्पनसेशन बनाया गया, उसके लिए ये इंटर स्टेट का ये निकाला गया, ये सब कमिटी में काम हुआ। पर एक बार वो कंसेंसस बन गया, उसके बाद हर पार्टी ने उस पे तो हाँ तो बोल दिया, अभी अपोज करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपने तो हाँ बोल दिया पब्लिक में, तो इससे कंसेंसस बनाने का काम करता है पार्लियामेंट। ये फार्म बिल्स में ये वाला जो कंसेंसस बनाने का जो काम है वो स्किप कर दिया, तो लोगों के अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, वो लिए नहीं गए, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से, अगर समझिए कि अगर मैं 80% आपके साथ सहमत हूँ और 20% नहीं हूँ, हो सकता है कि वो 20% हम डिस्कस करें उसमें से 10-10 होके 90 पे मैं मान जाऊं, पर अगर आप बात ही नहीं करते तो मैं भी अट जाऊंगा, आप बात नहीं कर रहे मैं क्यों बात। तो ये वाला नाटक चला फार्म बिल में, तो इट कुड हैव बीन नेगोशिएटेड इज माय गेस। तो आपको कैसा लगता है, आप तो भी बहुत समय से संसद को देख रहे हैं माधवन, अलग अलग सरकारों के बीच में, सेम सरकारों में अलग अलग ऑपोजिशन लीडर्स और अलग अलग तरीके के एमपीज के साथ में, तो आपको कैसा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी संसद काफी समय से, और आपने अपनी संस्था भी से खोली थी कि भाई संसद और अच्छे से चले, तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि वो इम्प्रूव करे, और क्या कहते हैं ये नहीं हो कि ऐसे कोई परफेक्ट स्टेट में तो शायद कभी भी नहीं थी, लेकिन जनरली जो है वो दिशा किस तरफ जा रही है, आपको देख करके लगता है कि काम में ये जो आपने उसके उत्तरदायित्व बताए अलग अलग की अकाउंटेबिलिटी है, डिस्कशन है, ये सब ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, और किस तरफ हम जा रहे हैं? सो मैं इसके लिए थोड़ा लॉन्ग व्यू से देखूंगा, क्योंकि हम रोज के इसमें देखेंगे ना, तो न्यूज़पेपर भी आप खोलोगे तो फ्रंट पेज में यही होंगे कि 3 लोग यहाँ मर गए, एक जैसे वो फैक्टफुलनेस में उसने लिखा है उस किताब में कि आज न्यूज़पेपर में ये नहीं आया कि आज कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। बिल्कुल तो हमें नेगेटिव न्यूज से शॉर्ट टर्म में दिखती है, बाकी दिखती नहीं है, अगर 90% पॉजिटिव है 10% दिखते नहीं है। तो थोड़ा अगर लॉन्ग व्यू देखे तो हमारे संसद ने एक्चुअली रिमार्केबल काम किया इन कई जगह से, तो मेरे लिए मोस्ट रिमार्केबल 1950 से आज तक भी हम एक ही देश हैं, मैं दिल्ली से बेंगलुरु आया हूँ, मेरे को वीजा की जरूरत नहीं थी, ठीक है, तो लोगों ने बोला कि ये तो होगा नहीं, 1950s में तो ये था कि इंडिया टूट जाएगा, तो तो इसमें 15 साल का समय दिया था सबने हमें। तो एक तो, और साथ में, और मेरे ख्याल से दोनों कनेक्टेड है, दैट इसीलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन और संसद को बोल रहा हूँ कि हमारी डेमोक्रेसी भी विद ऑल इट्स प्रॉब्लम चली है, ये कि कोई भी इलेक्शन में अगर कोई सरकार हार जाती है तो वो मिलिट्री या पुलिस को नहीं बुलाती, वो बोलती है ठीक है आप चाबी ले लो, आप आके बैठ जाओ, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। आज इवन इमरजेंसी के बाद 77 ने भी, इंदिरा गांधी ने वो तो कर दिया था, जो भी 77 जो इमरजेंसी के टाइम में डेमोक्रेसी गायब हो गई थी, बट हैंडओवर तो कर दिया था पावर। तो ये दोनों मेरे ख्याल से कनेक्टेड भी हैं, क्योंकि एक एडवांटेज बड़ा डेमोक्रेसी का है, 2-3 चीजें आती है उससे। एक तो है कि आप जैसे आज के दिन के जो प्रधानमंत्री हैं उनके आप उनको आप सपोर्ट करते हैं या अपोज करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट करेंगे कुछ लोग अपोज करेंगे, जो भी करेंगे, पर ये है कि सब ये तो मानते हैं ना कि वो इलेक्शन लेजिटिमेटली जीते हैं और वो लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर है, और अगर उनको आपको निकालना है, हटाना है, किसी और को लगाना है, तो आपको अगला इलेक्शन जीतना पड़ेगा। और बिल्कुल बात सिस्टम में ये भी है कि इलेक्शंस बाय एंड लार्ज फ्री एंड फेयर होंगे, आपको मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को कन्विंस करना पड़ेगा कोई और आना चाहिए, कन्विंस करोगे तो आपके लिए रास्ता भी है, आपको मिलिट्री कू करने की जरूरत नहीं है, रेवोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है पावर पाने के लिए, आपको बस काफी लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि दूसरी पॉलिसी या जिसकी भी है उसकी बेटर है, और कन्विंस करोगे तो आप आ जाओगे। तो डेमोक्रेसी से ये बहुत इसके वॉल्व आते हैं अगेंस्ट वायलेंस, वायलेंस की जरूरत नहीं है, और लेजिटिमेसी आती है, ये दोनों कनेक्टेड है। और मुझे लगता है कि इंडिया को एक साथ जुटे रहने में डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री फंक्शन इन सब का भी हाथ रहा है, नहीं तो
नहीं तो लोग बोलते हैं आपकी बात हम क्यों माने। तो पार्लियामेंट का लॉन्ग व्यू में, और अगर आप बाकी चीजें भी देखें, अगर आप सोशल इंडिकेटर्स देखें जो 1950 से आज हम गए हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हमने इतना बुरा नहीं किया। हमने काफी चीजों में, अगर 1950 का स्नैपशॉट देखें, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ 32 ईयर्स था, अभी 68 ईयर्स आ गया है। काफी चीजें हमारी ठीक हुई है। ये बात अलग है कि और हो सकती थी, कई पॉलिसीज हमने ठीक नहीं किए, किए होते तो हो सकती थी, पर यह भी हो सकता है कि कई चीजें और करते तो हो सकता है देश टूट जाता, हो सकता है कि कुछ और हो जाता या पॉलिसी नेगेटिव हो जाता। अब ये हाइपोथेटिकल तो कुछ भी हो सकता, पर हमें पता है कि तो पार्लियामेंट का इन चीजों में काफी रोल रहा है कि प्रोग्रेस हुआ है देश में, और उसमें उनको देना चाहिए क्रेडिट तो देना चाहिए लॉन्ग व्यू। और अभी भी हो रहा है, जो भी हो रहा है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही हो रहा है। जितने भी हमारे फ्रस्ट्रेशन है उसके थ्रू भी काम तो चल ही रहा है। और स्पेशली जो दूसरी चीज मैंने बोली थी, एक तो हम देखते हैं, जो देखते नहीं है, कमिटीज। कमिटीज में बहुत काम होता है, अगर आप कमिटीज के रिपोर्ट देखेंगे, डिटेल्ड काम होता है, अच्छे सजेशंस आते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, लोगों के सजेशंस लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो उनमें काम होता है। लेकिन माधवन, कुछ पिछले कुछ सालों से एक तो ये स्टैंडिंग कमिटीज को रेफर करना बिल्स, वो शायद कम हो गया है ना, और जैसा आपने भी लिखा था ऑर्डिनेंस और ये रीप्रोमिलगेशन वाला जो रूट है उसका काफी ज्यादा प्रयोग होता है, तो वो सब चीजें किस तरीके, किस दिशा में ले जा रही हैं हमें? तो स्टैंडिंग कमिटी बनी थी 93 में, उससे पहले बीच बीच में कमिटीज बनती थी सेलेक्ट कमिटी करके, तो उसका बिल्स जाना अभी काफी कुछ कम हो गया पिछले कुछ सालों में, और मेरे हिसाब से उससे हमें नुकसान हो रहा है कि बिल्स नहीं जा रहे, क्योंकि स्टैंडिंग कमिटी का काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ बिल्स। तो अगर आप यूके का सिस्टम देखेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो वही ओरिजिनल सिस्टम है, आज के दिन में हर बिल विदाउट एनी क्वेश्चन हर बिल कमिटी को जाता है, तो कमिटी स्टेट के बाद सेकेंड रीडिंग पे आता है, तो फर्स्ट रीडिंग कमिटी, कमिटी रिपोर्ट, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होता है, और दोनों हाउस में होता है अलग अलग कमिटी। तो हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि हर बिल कमिटी जाए, हो सकता है उससे कुछ लग जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा दिन लग जाए, कमिटी को आप शार्प बोल दो एक महीने के अंदर रिपोर्ट करो, एक महीना एक्स्ट्रा लग जाए, अच्छा कानून बनाने के लिए एक महीना एक्स्ट्रा लग जाए, लगने दो ना, तो वो करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कही ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस इंटरेस्टिंग है। ऑर्डिनेंस ये मेरे ख्याल से 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लाई गई थी, इसलिए जो फॉर्मेट ऑर्डिनेंस का है हमारा, कि एग्जीक्यूटिव कभी भी लॉ बना सकती है ऑन एनीथिंग दैट पार्लियामेंट कैन मेक ए लॉ, सिर्फ तीन देश में है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन तीनों का बेसिक लॉ है। और हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन जब लिए थे तो हमने वो ऑर्डिनेंस लगा दिया। और अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट देखेंगे, ऑर्डिनेंस वाला आर्टिकल जब वो डिस्कस कर रहे थे, ज्यादा खास कोई डिस्कशन नहीं हुआ, वो फटाफट पास हो गया, क्योंकि मैंने भी कोशिश की देखने की कि इन्होंने कहा क्या, ज्यादा कुछ कहा नहीं। तो इसमें फंडामेंटल प्रॉब्लम है ऑर्डिनेंस में कि जो सेपरेशन ऑफ पावर हमने पूरा निकाल दिया, हमने एग्जीक्यूटिव को लॉ मेकिंग पावर दे दिया, पर इसमें ठीक है, एक सेफगार्ड तो है कि ये टेम्पररी है, और बाद में उसे नेक्स्ट सेशन के 6 हफ्ते के अंदर पार्लियामेंट हैज टू पास। अभी कई स्टेट्स, और सेंटर ने भी किया है, स्टेट्स में बहुत हो रहा था कि ऑर्डिनेंस लाए, उसके बाद 3 दिन का सेशन किया, ऑर्डिनेंस नहीं लाए उस सेशन में तो लैप्स हो गया ऑर्डिनेंस, फिर से सेम ऑर्डिनेंस फिर से लाए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े जजमेंट हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन बोल के उन्होंने कहा है इसको, कि आपको टेम्पररी पावर दिया था, नॉट परमानेंट। पर ये ऑर्डिनेंस का जो है ये अभी रिसेंट नहीं है, ये अगर आप 1950s में देखेंगे द फर्स्ट 2-3 पार्लियामेंट, तब से हम साल के मेरे ख्याल से 8 और 10 के बीच में हम हर साल किए हैं एवरेज में। तो अच्छा। अगर आप गंदा वेपन दे दोगे, टेम्पटेशन है तो लोग यूज करेंगे, तो इसको तो निकालना चाहिए। तो मैंने भी लिखा है ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 को रिपील कर देना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। आपको इमरजेंसी आपको अगर लाना है तो अर्जेंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट करो, वही बाकी देश करते हैं। अच्छा। तो लास्ट जस्ट वन एग्जाम्पल, 2001 कैलेंडर ईयर हमने इसमें लिखा था, केरला अमंग स्टेट्स एवरेज स्टेट हैड मेट फॉर 23 डेज, केरला में, सॉरी पूरे एवरेज स्टेट असेंबली 23 स्टेट डेज था, केरला का 60 डेज के ऊपर था, 61 डेज का था, तो उनकी असेंबली काम कर रही थी। पर उसी साल एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनेंस अक्रॉस स्टेट कोई 4 या 5 ऐसे ही था, लो सिंगल डिजिट था, और केरला ने 144 किए थे। वाह,
बहुत ज्यादा काम हो रहा है वहां पे, सब लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, विधायिका भी और कार्यपालिका। उन्होंने फिर सुधार लिया, 2002 का डेटा हमने अभी कलेक्ट किया, मेरे ख्याल से 12 के आसपास हो, तो 144 को उन्होंने, या 14 हुआ शायद, ऐसी कुछ हुआ, तो उन्होंने 144 का स्क्वायर रूट तो 12 है, उसी के आसपास हो, तो ठीक ठीक, तो उसी हिसाब से कुछ, हाँ कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इसमें मेरे को बस एक चीज, अगला सवाल मुझे पूछना था माधवन, और ये थोड़ा सा हमारी नई बिल्डिंग से भी रिलेटेड है, क्योंकि एक रीजन हमें नई पार्लियामेंट बनाने का ये भी है कि एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट की कैपेसिटी जो है वो रन आउट होने वाली है, उतनी कुर्सियां नहीं है, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया पार्लियामेंट लोगों को रिप्रेजेंट करती है, तो हर MP एक कुछ संख्या है लोगों की जिनको रिप्रेजेंट करता है, तो करते हैं, तो उसमें जब हम आज़ाद हुए थे तो अराउंड 32 करोड़ की आबादी थी, आज 140 करोड़ की आबादी है, तो ऑब्वियसली हम एक MP 4 गुना 5 गुना ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब से, तो अगर हमको वो अनुपात ठीक रखना है तो हमको नियरली 3-4 गुना MP बढ़ाने पड़ेंगे, तो इसका ऑब्वियसली, और ये चीज़ कोई हम कोई समझदार नहीं बैठे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहले ही डिस्कस कर लिया था और उन्होंने इसके सोल्यूशन भी बताए थे, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि वो क्या सोल्यूशन है, किस तरह से होने वाले हैं, और क्योंकि हम उस घड़ी के आसपास हैं जब ये चेंजेस होने वाले हैं, तो इस बारे में कुछ बताइए। तो इसमें एक तो नंबर ऑफ MPs का सवाल है, और दूसरा जो डिलिमिटेशन का सवाल है कि कितने स्टेट को कितने MP मिले, ये तो कम्प्लीटली अलग अलग सवाल है, ठीक अनरिलेटेड है, क्योंकि एक है पाई को कैसे डिवाइड करेंगे और दूसरा है साइज ऑफ द पाई, दे आर अनरिलेटेड, ठीक बात। तो क्योंकि हम ऐसा भी सोच सकते थे कि भाई हर 1 करोड़ लोग पे 1 MP हो तो 140 MP चाहिए जैसे, है ना, लेकिन तो और वो नंबर कुछ भी हो सकता है, हम बोल सकते हैं हर 20 लाख लोग पे MP होना चाहिए, हाँ, पर हम डिसाइड कर सकते हैं, बिल्कुल। पर इसमें ये है, तो इसके इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारी आबादी बहुत बड़ी है, ठीक है, अभी वन जैसे UK की आबादी कुछ 7 करोड़ से भी कम है, 6.8 करोड़ कुछ, ठीक, और उनके पास 650 MP है, तो एक हर MP तकरीबन 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो इधर हमारा प्रॉब्लम है कि हमारी आबादी 140 करोड़ है, ठीक है, अगर 140 करोड़ में अगर आप बोलोगे कि हर लाख के लिए 1 MP चाहिए, तो कितना 14,000 लोग चाहिए, फिर तो आपको क्रिकेट स्टेडियम में करना पड़ेगा और बात कहाँ करेंगे। तो इसमें दो चीजें चलती है, एक तो नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड एक साइड से, दूसरे साइड से अगर लोगों को बैठ के चर्चा करके कुछ तय करना है, वो नंबर बहुत बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपकी असेंबली 3,000 लोगों की हो गई, तो वो चाइना का जो नेशनल असेंबली जो भी बैठता है और टिकमा, वो तो सिर्फ रबर स्टैम्प करता है जो भी डिसाइड हो गई, तो वैसा करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते, 3,000 लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। इसका मेरे हिसाब से एक ही सोल्यूशन है, ये है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन और हमारे स्ट्रक्चर में ये बना हुआ है, तो हमको थोड़ा सा उसको स्ट्रेंथन करना कि हमारे 3 लेवल के रिप्रेजेंटेशन है, तो पार्लियामेंट को सिर्फ नेशनल लेवल इश्यू देखना चाहिए, ठीक है, तो आप MP को इलेक्ट करते हो नेशनल लेवल इश्यू जो आपको डे टू डे अफेयर से उतना फर्क नहीं पड़ता और आपको उसमें उतना रिप्रेजेंटेशन भी, आपको इंटरेस्ट है उनमें, जैसे अगर बैंकिंग लॉ बनाना है उससे सबको फर्क पड़ता है, नरेगा से सबको फर्क पड़ता है, जो भी गरीब है बहुत चीजों से सबको फर्क पड़ता है, पर आपका वो डेली रोल से जैसे आपकी सड़क है, लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो क्लियरली जो यूनियन लिस्ट है उसको शायद और भी थोड़ा छोटा करके, या जो अभी भी है वो भी है, बट पार्लियामेंट सिर्फ उस पे करे, फिर हमारा नंबर ठीक है, 500 को 600 कर दो, 700 कर दो, बट 3,000 तो नहीं कर सकते। स्टेट लेजिस्लेचर को ज्यादा रोल देना चाहिए। तो अभी हमारे पास तो मेरे, अगर आप देखेंगे कोई भी स्टेट, जैसे आप कर्नाटक देख लीजिए जहाँ पे हम बैठे, तो कर्नाटक में 228 है ना, 224 है मेरे ख्याल से, ठीक है, MLAs, ठीक है, 224 MLAs है, 224 को आप 350 बना सकते हैं, मतलब असेंबली तो बैठ सकती है 300-400 की, और इधर का पॉपुलेशन कितना है, कुछ 6.5-7 करोड़ है, 7 करोड़ यूके जितना है, यूके जितना पॉपुलेशन है, और अगर आप 300 लोग बिठाएंगे तो 2 लाख का पॉपुलेशन ईच MP MLA देख लेता है, वो मैनेजेबल है, ठीक है, वो भी पर स्टेट लेवल पे। फिर आपको करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए लोकल ग्राउंड, तो म्यूनसिपैलिटी पंचायत अगर आप स्ट्रेंथन करेंगे, जिससे डायरेक्टली पूरा डेवल्यूशन करके जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है लोगों को डे टू डे में, फिर डेमोक्रेसी ठीक चलेगी।
क्योंकि लोकल अफेयर्स में आपका रिप्रेजेंटेशन भी पंचायत मेंबर या को हर इंडिविजुअली उधर का जो भी एरिया का जो भी रहता है उधर वो सब पर्सनली जानते होंगे क्योंकि छोटे हैं वो जगह। म्युनिसिपल वार्ड्स बेंगलुरु में कितने 200 वार्ड है तो 200 वार्ड है ना बेंगलुरु में? हाँ तकरीबन 10-200। और बेंगलुरु का पॉपुलेशन कितना अभी? 80 लाख? नहीं, सवा करोड़ के करीब। 1.2 करोड़। हाँ 1.2 करोड़ हो गया। ठीक है 1.2 करोड़। सो कितना आपका कितना आ जाता है 1.2 by 200? 60,000 भी बड़ा है वैसे, बट 60,000 में एडल्ट पॉपुलेशन देखोगे 30,000 या फैमिली देखोगे 60,000 में कुछ 15,000 के करीब, 15,000 के आसपास, 4 का बेंगलुरु का एवरेज लोगे। 15,000 लोग तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर इंडिविजुअली भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने, ठीक है? तो काम होना चाहिए लोकल पे। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप छोटे इस पे ज्यादा पावर दो और बड़े को बड़े चीजों पे रखो। उनसे हम अपनी सड़क की प्रॉब्लम हमारे एमपी के पास ना ले जाएं, सड़क की प्रॉब्लम हमारे लोकल, उसमें दो चीजें होती है। आप अगर एमपी के पास लेके जाएंगे सड़क के बाद, एक तो एमपी आपके लिए कुछ कर नहीं सकता, एमपी के पास पावर नहीं है उसको, तो मैक्सिमम एमपी एक चिट्ठी लिखेगा, और एमपी अगर ऑपोजिशन पार्टी से है तो वो लोकल गवर्नमेंट काम भी करेगी नहीं उसमें, ठीक है? तो एमपी के हाथ में कुछ है नहीं, तो आप गलत, जैसे आपके जैसे आपको बुखार हो गया और आप इंजीनियर के पास जा रहे हो। पर माधवन, ये हम लोगों ने अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट कर दिया ना, जैसे एमपी लैड स्कीम हो गई है और फिर वो तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, तो और ये मैंने लिखा हुआ है कि एमपी लैड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट जाता है, होना ही नहीं चाहिए। पर एमपी लैड्स तो होना ही नहीं चाहिए, वो हमने कर दिया। और अगर ये करेंगे तो एक तो एमपी के पास पावर नहीं है, और दूसरा अगर आप एमपी का बैंडविड्थ इस पे अटका देते हैं तो आपको अगर इंसॉल्वेंसी लॉ ठीक करना है तो वो कौन सोचेगा? पर माधवन, जैसे आपने जो चीजें बताई वो सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल जिसके ऊपर बात करते हैं हम लोग, उससे रिलेटेड है ना, जो काम निचले स्तर पर हो सकता है वो वहीं पे करना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, प्रेफरेंसेस ज्यादा बेहतर। ये नहीं कि सिर्फ कि हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है कि उधर ही होना चाहिए। हाँ पर तो ये चीज हो गई है कि हम लोग ऐसा नहीं हो रहा है प्रैक्टिस में, है ना, क्योंकि सब कुछ सेंटर या फिर कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह वगैरह भी है। तो दूसरे देशों में भी यही प्रॉब्लम होता होगा ना कि सब लोग चाहते होंगे, जैसे स्टेट लेवल गवर्नमेंट है अभी, वो चाहती है कि वो बैंगलोर का काम करे, वो नहीं चाहती कि ऊपर ही लेवल का काम करे, और यूनियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि वो लोगों को सब्सिडीज दे वगैरह वगैरह, स्टेट गवर्नमेंट में रोल प्ले करे। तो ये चीजें दूसरे देशों में भी होती होंगी, तो वहां पर क्या सोल्यूशन निकाला है? वहां पे सिंपल है ना, दूसरे देश नहीं है ना ऐसे। 140 करोड़ की आबादी से ऊपर सिर्फ एक देश है, ठीक है? और हमसे नेक्स्ट यूएस है जिसकी कुछ 33 करोड़, वो पूरा फेडरल है, 35 करोड़, बहुत फेडरल है। तो कोई है नहीं ना, मतलब किसी और के पास ये 140 करोड़ की का प्रॉब्लम नहीं है, इश्यू नहीं है। हमारा 140 करोड़ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा गेम ही अलग है। जैसे यूके में वो कर लेगा, 1 लाख का पॉपुलेशन है एमपी का, वो दोनों कर लेगा, वो भी कर लेगा ये भी कर लेगा। और वहां तो सेकंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं। हाँ काउंसिल्स हैं पर प्राइमरली यहीं से जाता है वो। सो गिवन पॉपुलेशन, हमको हर स्टेट को, हमारा हर स्टेट एक यूरोपियन कंट्री है, तो हमारा इंडिया ईयू जैसा है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली बट पॉपुलेशन वाइज। माधवन, हम थोड़ा सा डिलिमिटेशन पे थोड़ा वापस अगर जाए, तो अगर हम जैसे पाई को, मतलब ये बात चल रही ना कि क्योंकि कुछ राज्यों का पॉपुलेशन बढ़ा है, कुछ का नहीं बढ़ा है, तो क्या उसको बैलेंस आउट वापस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या भी एक सवाल है। तो एक 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 इसमें एक क्वेश्चन तो ये होता है कि हाँ, अगर एक वन पर्सन वन वोट का सिमिलर स्ट्रेंथ होना चाहिए तो एटलीस्ट मोटा मोटा थोड़ा सिमिलर होना चाहिए। बट दूसरी तरफ ये सवाल भी आ जाता है कि अगर कुछ ही राज्यों के हाथ में ज़्यादा पॉलिटिकल, मतलब ज़्यादा सीट्स अगर उनके पास होगी तो ज़्यादा पॉलिटिकल कंट्रोल उनके हाथ में आ जाएगा, तो क्या ये थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है? तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? तो इसमें भी दो ऑपोजिट प्रॉब्लम्स हैं। एक तो है 1 person 1 vote बेसिक यूनिवर्सल सफरेज का बेसिक प्रिंसिपल है कि हर पर्सन का वोट इक्वल होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए डिलिमिटेशन का डाला हुआ था शुरू में जिन्होंने, कि सबका इक्वल। पर अभी हमने वो इक्वल को 1971 में बंद कर दिया, और तब से अभी तक इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है।
अगर 81 में भी किया होता तो थोड़ा थोड़ा हर 10 साल एडजस्ट हो जाता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो अभी क्यूमुलेटिवली पॉपुलेशन डिफरेंस बहुत आ गया 50 साल में। तो 50 साल का पॉपुलेशन ग्रोथ डिफरेंस जो हुआ है उसको आप एडजस्ट करेंगे तो काफी फर्क आएगा। यूपी का जोर से बढ़ेगा, सदन वैसे ही वो सबसे बड़ा स्टेट, उसके पास 80 सीट है, और बढ़ेगा, और साउथ इंडियन स्टेट का कम होगा क्योंकि उनका पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुआ है। तो इससे टेंशन आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसके दो तरह से सोल्यूशन हो सकते हैं। एक तो ये प्रपोजल कई बार आ चुकी है, यूपी ने रेजोल्यूशन भी पास किया हुआ है कि यूपी एक स्टेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, गवर्नेंस के लिए भी बहुत बड़ा, गवर्नेंस के लिए भी अच्छा होगा। जैसे मेरे जैसे आप देखेंगे उत्तराखंड निकलने के बाद बेटर काम किया है देन यूपी ने किया, तो छोटे स्टेट का फायदा ही, ठीक है, थोड़ा सो गवर्नेंस के लिए भी अच्छा है। तो शायद हमें एक और, तो पीस मील की जगह एक और 1956 टाइप स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन करके सोचना चाहिए कैसे करना चाहिए। ठीक है, इंडिया के ना 50 स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट 33, कितना 33 करोड़ पॉपुलेशन, 35 करोड़ के करीब है, करीब 35 करोड़ में 50 स्टेट है, हमारे तो 50 हो ही सकते हैं बिल्कुल। तो एक तो हर स्टेट का रिलेट, कोई स्टेट डोमिनेट ना कर पाए क्योंकि अभी तो यूपी का 1/6 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया तो डोमिनेट करेगा ही ना, तो वो है, तो प्रॉब्लम एक वो है। और दूसरा है, दूसरा सोल्यूशन है, जैसे मैंने अभी जब बात कर रहे थे, हम बातचीत कर रहे थे कि आप शिफ्ट कर दो ना पावर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स, फेडरलिज्म, फिर वो टेंशन। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे स्टेट के लोगों को सेंटर पे जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा रिलेटिवली, पर अगर सेंटर पे इन्फ्लुएंस का इम्पोर्टेंस ही आपने थोड़ा कम कर दिया और ज़्यादा चीज़ें जो हम डेली चाहिए वो स्टेट और लोकल लेवल पे हो रही है तो वो टेंशन भी अपने आप कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये टू प्रॉन्ग्ड है, मीन दोनों करना पड़ेगा, और दोनों करने से ये थोड़ा ये, क्योंकि हमें कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। अभी अभी तो डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, इसमें एक चीज मेरे को हमेशा लगती है, ये उल्टा ही हो रहा है, इसकी टेंशन की वजह से आपस में विवाद बढ़ रहे हैं, लोगों में लड़ाई झगड़ा भी बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कर्नाटका तो बहुत बड़ा स्टेट है और अमीर भी है। ऐसा भी एक चीज़ है कि हमारे अमीर स्टेट्स का पॉपुलेशन कम है, तो अमीर स्टेट्स को और अट्रैक्ट करना चाहिए कि हमारे यहाँ और लोग आके बसो, तो हमारे यहाँ ऑलरेडी सीटें उससे बढ़ जाएंगी। लेकिन उससे उल्टा होता है, वो मना करते हैं यहाँ मत आओ। तो इससे इंसेंटिव नहीं मिलना चाहिए अमीर स्टेटों को कि भाई आप यूपी बिहार से और लोगों को आकर्षित कीजिए। भाई अगर यहाँ कर्नाटका में 5 करोड़ लोग यूपी के आके बस जाएं, बहुत जगह है, आराम से बस सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे सीटें भी बढ़ जाएंगी, लड़ाई झगड़ा ही खत्म। लेकिन हम देखते हैं असली में उल्टा होता है, ये बोलते हैं और कम आओ तो ये फिर तो सीटें उनको और ज़्यादा मिल जाएंगी। अरे भाई आप और लोगों को बुलाओ और सीटें ले लो। पर आ रहे हैं ना, जैसे आप देखेंगे नहीं पॉलिटिकली, लेकिन एक्टिव, लेकिन हाँ, लेकिन एक्टिव अट्रैक्शन नहीं है, वो लोग तो नेचुरल मूवमेंट से आ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि ये होगा नहीं ना, क्योंकि वो तो हर जगह ऐसे ही होता है ना। जैसे अब यूएस में इमिग्रेशन को देखिए, इमिग्रेशन हो रहा है पर पॉलिटिकल नॉइज एंटी इमिग्रेशन ही रहेगा। करेक्ट, वो डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम है ना। आप लोकल पॉपुलेशन जो ज्यादा है उसको उसकी तरफ बात करोगे ना, बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ तो चीज नहीं होगा। तो रेटोरिक एक रहेगा, असल में जो हो रहा है वो दूसरा रहेगा। जैसे आप दिल्ली का पॉपुलेशन देख लो, दिल्ली का पॉपुलेशन 81 सेंसस में कुछ 40-50 लाख था, अभी 2 करोड़ से ऊपर हो, 4 times हो गया, एंड वो माइग्रेशन से हुआ है, लोकल ग्रोथ से नहीं हुआ। और माधवन, शायद उसका एक और पहलू भी है कि जो फिस्कल फेडरलिज्म की बात करते हैं हम, वो भी जरूरी है अगर पावर शिफ्ट करना है स्टेट्स में। तो जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि अगर जनरल पर्पस ट्रांसफर्स स्टेट्स को ज्यादा मिलेंगे तो शायद ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा कि यूनियन गवर्नमेंट पे क्या हो रहा है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होंगे तो वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनफैक्ट मैंने एक बार ही किसी से बात करते हुए पूछा था, सीनियर फाइनेंस एक्सपर्ट से, कि अगर ये फाइनेंस कमीशन में थे तो मैंने कहा था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम कर रही है, जो काफ़ी करती है, तो इसके पास, इसका मतलब है कि उसके पास सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम करने के लिए पैसे हैं, वो एक्स्ट्रा पैसे हैं। तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम कैंसिल करके वो जो फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला है उसी से सब स्टेट को बांट दो,
उनको डिसाइड करने दो, क्योंकि ये तो बहुत क्लियर है कि एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते तो कर नहीं पाता, तो उनका एक्सेस ही है ना। पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल रखना चाहता है तो करेगा नहीं वो, तो ये सब भी कोई फाइनेंस कमीशन टाइप बॉडी से प्रेशर आके आना पड़ेगा। एंड पब्लिक फाइनली इन सब में मोर पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस चाहिए एटलीस्ट एट सम लेवल, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के बीच में बात चलेगी, फिर कुछ समझौता हो जाएगा, सम एडजस्टमेंट हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे हम बस। सही बात बोली आपने, ग्रुप प्रॉब्लम। हाँ, हमें मांग करनी चाहिए उस चीज की। तो समय खत्म हो रहा है, लेकिन माधवन एक आखिरी सवाल पूछना चाहता था मैं कि जैसे आप इतने एमपीज और एमएलए से आपने बातें की हैं, पीआरएस लैम्प फेलोज भी तैयार करता है जो इन एमपीज के साथ काम करते हैं, उन्हें रिसर्च सपोर्ट देते हैं, और एक तरीके से हम लोग ये भी देख रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से एमपीज के रोल पर काफी नुकसान क्षति पहुंची है, उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं एमपी लैड स्कीम वगैरह जैसे उनका रोल भी कंफ्यूज हो चुका है, तो आप इस सफर में क्या देखते हैं, एमपीज अपने लेजिस्लेटिव रोल में इंटरेस्ट उनका बढ़ा है इस समय के दौरान आपके अनुभव में या घटा है? वैसे काफी इंटरेस्ट है और इससे मैं हमेशा ही थोड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ कि ये लोग, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ है इसका मतलब है कि पार्टी ने बोला हाँ बोलो तो बोलना ही पड़ेगा हाँ, तो फिर आप समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्योंकि रिजल्ट तो पता ही है ना, करना क्या। पर ये लोग काफी हमसे बुलाते रहते हैं, पूछते हैं, डिटेल में समझते हैं, ये सब समझना चाहते हैं, और मेजर ये नहीं है कि ये कुछ जैसे लोग सोचते हैं कुछ इंटेलेक्चुअल एमपी होंगे दो चार, ऐसा नहीं है, मेजोरिटी ऑफ एमपी मोर देन 50% ऑफ एमपी समझना चाहते हैं काफी डिटेल में, तो इससे हमें भी इसी के कारण होप रहता है कि जो इलेक्ट होके आए हैं वो काफी सिंसियर हैं कि उनको ठीक करना चाहिए, पर एंटी डिफेक्शन लॉ टाइप जो सिस्टम बनाया है उसने एमपीज को पूरा पावरलेस कर दिया, और मेरे हिसाब से ये पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बेसिक स्ट्रक्चर से, क्योंकि अगर जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू एमपीज, पर अगर गवर्नमेंट कंट्रोल्स द मेजॉरिटी ऑफ एमपीज वोट, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ से वही है ना, जिसकी मेजॉरिटी उसने इलेक्ट कर दिया, एक बार इलेक्ट कर दिया तो उसका वोट वही कंट्रोल करेगा, तो आप कैसे अकाउंटेबल, तो पूरा कॉन्ट्रडिक्शन बना रखा है एंटी डिफेक्शन लॉ ने पार्लियामेंट्री डे, तो ये तो मेरे हिसाब से अभी इंटरेस्टिंगली वन एस्पेक्ट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ जो महाराष्ट्र के बाद निकला वो सेवन जज बेंच को रेफर किया जा रहा है, और उनको देखना चाहिए पूरा ही कि एंटी डिफेक्शन लॉ ही उड़ा देना चाहिए कि नहीं, और मेरे हिसाब से वो पूरा 10th शेड्यूल रिपील कर देना चाहिए। बाय द वे एक प्राइवेट मेंबर बिल है इंटरेस्टिंग, ए वन लाइन बिल है जो इंट्रोड्यूस हुआ था पिछले साल, जयंत सिन्हा ने इंट्रोड्यूस किया था, वन लाइन बिल है, वो है कि द 10th शेड्यूल शैल बी ओमिटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेरे हिसाब से वैसे ही होना चाहिए, इसको बस निकाल देना चाहिए। इसी एकदम आशावादी नोट पर आज की डिस्कशन एंड करते हैं, और बहुत अच्छा सुन के लगा माधवन, क्योंकि हम सिर्फ दिक्कतों की और इसकी बात करते हैं, पर हमारे सब सांसद एटलीस्ट इंटरेस्ट ले रहे हैं और इश्यूज को समझने की जानने की कोशिश करते हैं, वरना राजनीतिज्ञों का तो काफ़ी बुरा रेपुटेशन रहता है, इनको कुछ आता नहीं है, सिर्फ हल्ला करते हैं, तो पीछे से आप उनसे डिस्कस करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, तो मेरे को लगता है पुलियाबाजी के श्रोताओं को सुनकर अच्छा लगा होगा कि उनके सांसद रुचि रखते हैं और सीखना चाहते हैं, तो होपफुली 10th शेड्यूल शैल बी ओमिटेड इस तरीके का कुछ कमाल का चीज धमाका हम देखेंगे, और हम इस चीज पे बहुत बार पुलियाबाजी में डिस्कस कर चुके हैं कि ये बहुत फंडामेंटल चीज है जो हम लोग को इस कंट्री में देखनी चाहिए, जो कि फिर से हमारी संसद की रूह को आबाद कर दे, सिर्फ नई बिल्डिंग नहीं बने जरा रूह में और जान भी आ जाए, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ समय बिताने के लिए आज माधवन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू ख्याति सौरभ प्रणय, शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए पुलियाबाजी@gmail.com पर या फिर @पुलियाबाजी ट्विटर पर। शुक्रिया।